क्या बनने जा रहा है दीवानगी का सीक्वल? आखिर इस बारे में डायरेक्टर ने किया कौन सा बड़ा खुलासा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनीस बज्मी इन दिनों भूल भुलैया 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 20 मई को रिलीज हुई थी। फिल्म को थिएटर में निकले पूरे एक महीना गुजर चुका है, इसके बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है फिल्म ने 178 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हाल ही में मीडिया के एक इंटरव्यू में अनीस बज्मी ने खुलासा किया कि साल 2006 की अजय देवगन की नाम को इस साल रिलीज करेंगे। वहीं डायरेक्टर अनीस बज्मी ने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने नाम के बारे में कहा कि इसे रिलीज होने में पूरे 25 साल लग गए, लेकिन कहानी तैयार है, बस अब इंतज़ार है तो इसकी अच्छी रिलीज डेट का। वहीं दोस्तों, अनीस बज्मी ने आगे ये भी कहा कि वो अजय देवगन स्टारर दीवानगी के सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे 2002 में अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था। और वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि निर्माताओं का कहना है कि फिल्म की कहानी इर्द गिर्द घूम सकती है, कुछ कंटेंट निकल के आएगा, कुछ अच्छी स्क्रिप्टिंग होगी तो दीवानगी 2 ज़रूर बनाएंगे। साल 2002 में रिलीज हुई दीवानगी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें कि अजय देवगन, अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर नजर आए। इस फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। दोस्तों, फिलहाल आप बताइए कितना इंतजार है दीवानगी 2 का नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।